हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल के वीडियो में। मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं नोमैडिक एनटी यूट्यूब। तो आज के वीडियो में हम अपने ये चार्ली अपाचे 200 4V DS4 में एक वाइजर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि मैंने सर्विस सेंटर पे भी चेक किया था जो मुझे नहीं मिला है। उसके बाद मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मैंने सर्च किया, वहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। तो फिर इसके बाद मैंने इसे TVS मोटर्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने परचेज किया है। तो ये हमारा वो वाइजर आप देख सकते हैं, इसका MRP है 225 रुपीज। इसे मैं अपने इस बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूं, और इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको बाकी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, और सेकंड आपको एक 10 नंबर की हिट चाबी की जरूरत पड़ेगी। इसी दोनों चीजों से मैं अपने इस वाइजर को अपनी इस बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं उस पार्सल को जो कि मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। इसे ओपन करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर निकलेंगे जिन्हें मैं अपने इस बाइक में यूज करूँगा। तो फर्स्ट जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसमें आपको एक ये स्क्रू ड्राइवर की किट मिलेगी, और सेकंड अपना है ये वाइजर। वाइजर को आप ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इस तरह से ओपन करेंगे तो ये वाइजर निकलेगा, और ये हमारे स्क्रू जो कि इस बाइक में मैं अभी यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सारे स्क्रू और वाइजर को रखता हूँ साइड में, और फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे दो स्क्रू दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों को मुझे ओपन करके इस वाले कवर को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले इस नंबर प्लेट को मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो इसे ओपन करने के लिए फर्स्ट आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर से मैं इसे ओपन करता हूँ। तो नंबर प्लेट को मैंने ओपन कर लिया है, इसे रखता हूँ साइड में। तो अब आपको ये नीचे दो स्क्रू दिख रहे होंगे, एक ये स्क्रू है और एक ये स्क्रू है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। ये दोनों जब आप पेच ओपन कर लेंगे उसके बाद ये निकलेगा इसका कवर आगे का। तो कवर ओपन हो चुका है, ये दोनों इसके स्क्रू हैं, इन्हें दोनों को आपको संभाल के रख देना है। तो अभी जो स्क्रू ड्राइवर है उसका काम खत्म हो चुका है। अब मुझे चाहिए होगी ये 10 नंबर की चाबी। इस चाबी से आपको ये तीन बोल्ट हैं वो ओपन करना पड़ेगा, एक ये है और एक ये, और इसके साथ ये नीचे है। तो इन तीनों बोल्ट को आपको बहुत केयरफुली ओपन करना होगा, क्योंकि ये नीचे टापे में गिर सकता है। अगर गिर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे हैंडल को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ये निकल आएगा। तो मैं ओपन करता हूँ इन तीनों बोल्ट को। तो आप देख सकते हैं मैंने ये तीनों जो बोल्ट हैं उन्हें ओपन कर लिया है। अब आपको मीटर को हल्का सा केयरफुली थोड़ा ऊपर उठाना है। जब मीटर ये ऊपर उठ जाए तो अभी इसका काम खत्म हो गया है। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इस वाइजर किट में जो ये स्क्रू निकले हैं और बाकी जो कुछ बोल्ट हैं इसके अंदर, इन्हें मैं ओपन करता हूँ। अब इनके यहाँ पे मुझे जरूरत है। तो जब आप ये किट ओपन करेंगे इसमें आपको दो ये क्लैंप मिलेंगे और दो ये बोल्ट मिलेंगे, और उसके बाद इसमें आपको मिलेगा दो ये स्क्रू होंगे और तीन रबर होंगे। अब मुझे चाहिए होगा दो ये क्लैंप्स हैं और दो ये स्क्रू हैं। इन्हें आपको लगाना है इस तरह से, ये इसका जो नीचे का बोल्ट है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। इसे आप इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला जो बोल्ट है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। अब आपको इस तरह से ये वाला पेच यहाँ से टाइट कर देना है। सेम इसी तरह से आपको इधर वाला लेना है, और यहाँ पे रखने के बाद इस पेच को यहाँ पे टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोनों मैंने क्लैंप्स को अच्छे से टाइट कर दिया है। अब जैसे मीटर जहाँ पे था उसी जगह पे आपको फिक्स कर देना है, यानी आपको नीचे लेना है, और जहाँ से आपने ये तीनों बोल्ट ओपन किए थे उन तीनों बोल्ट को आपको सेम उसी जगह पे फिक्स कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों बोल्ट को उनकी जगह पे प्लेस कर दिया है जहाँ पे वो थे। उसके बाद आपको इस कवर को लेना है जो सबसे फर्स्ट में जो हमने ओपन किया था, उस कवर को आपको सेम उसी जगह पे ऐसे ही रखना है, और उसके जो दोनों पेंच हैं उन्हें टाइट कर देना है। तो
तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों बोल्ट को यहाँ पे टाइट कर दिया है और ये जो कवर था हमारा वो अच्छे से सेम उसी जगह पे फिक्स हो चुका है। अब मुझे चाहिए होगा इस वाइजर को और जिसमें मैंने उन तीनों रबर्स को उनकी जगह पे प्लेस कर दिया था, फर्स्ट ये था, सेकंड ये और थर्ड ये। इसकी अलाइनमेंट आपको करने के लिए इसमें सबसे पहले आपको एक हुक जैसा दिखेगा, उसमें आपके नीचे वाले रबर को फिक्स कर देना इस तरह से। और सेकंड आप देख सकते हैं ये जो हमने हुक इंस्टॉल किया था उसके सामने ये बिल्कुल आ जाएगा। तो जब ये सामने आ जाएगा उसके बाद आपको इन दोनों बोल्ट को लेना है और वहाँ पे टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इन दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया है और वाइजर हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे ही गिरेगा ना। तो अब क्या करते हैं, इसकी जो पॉलिथीन है इसे मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वाइजर है वो इंस्टॉल हो चुका है सामने की तरफ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी जो नंबर प्लेट थी उसे उसी की जगह पे प्लेस कर देना है जैसे कि हमने वहां से ओपन किया हुआ था। तो नंबर प्लेट के ये दोनों स्क्रू रहे हमारे, अब स्क्रू को लेना है आपको जैसे पहले टाइट था उसी तरह से आपको इन दोनों स्क्रू को टाइट कर देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वाइजर इंस्टॉल हो चुका है, नंबर प्लेट को भी मैंने उसी जगह प्लेस कर दिया है। तो ये जो वाइजर है मैंने टीवीएस मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया हुआ था, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एजेंसी जाएंगे वहाँ पता करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि जो GS4 जो मॉडल हुआ करते थे हमारे 200 या फिर 160 में, तो उसमें ये वाइजर इंस्टॉल होते थे। GS6 जो आ रहा है अभी उसमें आप वाइजर ये इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये अभी एजेंसी के तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको ये टीवीएस मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको। तो फाइनली हमारा वाइजर वो इंस्टॉल हो चुका है। तो वाइजर पे लगाने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल के कुछ लोगों को डिजाइन करवाया है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके हमारा लोगो ये कैसा है। तो मैं इन्हें अच्छे से प्लेस करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनका फाइनली लुक कैसा आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों स्टिकर्स को यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दिया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वाइजर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले ट्रैवलिंग या फिर मोटो ब्लॉगिंग वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज आउट।